ओनर ऑफ जियांश हॉलीडेज मिस्टर हिमांशु पटेल इज विद मी राइट नाउ इन व्यापार जगत स्टूडियो. आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो अबाउट हिज बिजनेस एंड हिज जर्नी, सो लेट मी वेलकम हिम. वेलकम सर. थैंक यू कविता जी एंड थैंक यू व्यापार जगत फॉर इनवाइटिंग मी. लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू. द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया ऑफ योर बिजनेस. आपको इतना एक्साइटिंग बिजनेस का आइडिया कैसे आया? वेल कविता जी, मैंने इंजीनियरिंग किया है एंड देन I went to UK for work visa and जब मैं UK में था तब हर वीकेंड मुझे घूमने का बहुत शौक है, तो हर जगह हर वीकेंड में कहीं पर चला जाता था और मेरे फ्रेंड्स भी ये बोला करते थे कि भाई UK में ही तो स्टार्ट कर ले कंपनी अपनी, पटेल टूर्स ट्रैवल के नाम से, कोई है नहीं UK में जी, तो व्हाई डोंट यू स्टार्ट हियर. बट देन आई वेंट, वीजा हैज एक्सपायर एंड आई बैक टू इंडिया. आइडिया नहीं था. 2016 में वापस आया और जब मैं इंडिया में वापस आया तब मेरे फ्रेंड्स भी पूछने आ रहे थे मुझे कि भाई मुझे यहाँ जाना है, कहाँ से सस्ता मिलेगा, समर में कहाँ जा सकते हैं, विंटर में कहाँ जा सकते हैं, हनीमून में कहाँ जा सकते हैं, राइट, वेरी वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस एंड सस्ता कहाँ से मिलेगा मेन इम्पोर्टेंट. तो जब मैं फिल्म में निकला तब भी मैं लोगों को सस्ता ढूंढ के देता था, तो तब एक फ्रेंड ने मस्ती में बोल दिया था मुझे जब तू इतना देख कर रहा है तो क्यों अपनी खुद की कंपनी नहीं चालू कर रहा है और इनकम कर लेंगे इनसे. ग्रेट. तो आप क्या अपने फ्रेंड्स के साथ या अकेले भी जब आप अलग अलग प्लेसेस पे एक्सप्लोर करते थे तो क्या आप वो आजकल यूट्यूबर्स जैसा करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, आप ऐसा कुछ बनाते? नहीं, वो मैं नहीं बनाता हूँ, लेकिन जब यूके में था तब मैं अपने फ्रेंड्स को किडनैप कर लेता हर वीकेंड में. मेरे 6-7 फ्रेंड्स है, उनको हर वीकेंड कहीं ना कहीं किडनैप करके ले जाता था घूमने के लिए, वापस मस्ती करके वापस आ जाते. यानी कि मिस्टर हिमांशु पटेल अपने दोस्तों को पहले फ्री में इधर उधर ले जाया करते थे कि वीकेंड्स पे ये अच्छी जगह है, वो अच्छी जगह है. दिस इज हाउ ही केम अप विद हिज ग्रेट आइडिया ऑफ ओपनिंग हिज ओन फर्म कॉल्ड जियांश हॉलीडेज. तो सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि हाउ मच टाइम डिड इट टेक यू फ्रॉम द कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ योर बिजनेस आइडिया टू द एक्चुअल लॉन्चिंग ऑफ योर बिजनेस इन द मार्केट? मैंने 3-4 महीने रिसर्च करने में लिए और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कहाँ से क्या कम ये ले सकते हैं, डायरेक्ट होटल से कॉन्टेक्ट किए, उनके साथ टाइप किया. तो मुझे 3-4 महीने लगे थे पूरा कंसेप्ट बनाने में और देन आई हैव स्टार्टेड माय कंपनी एंड आई पुट माय कंपनीज नेम ऑन माय सन्स नेम. इट्स कॉल्ड जियांश हॉलीडेज. जियांश इज योर सन. माय सन. सो आई स्टार्टेड दिस कंपनी इन 2017 एंड पहले 6-8 महीने मैंने घर से काम किया था. ओके. एंड देन आई स्टार्टेड my own office at CGO. Okay, that's great. And what are the services that you are offering, different kind of services? We are offering flight booking, hotel booking, customized holiday packages and corporate travel management, cab bookings, and currently we have started one way intercity cab service pan India as well. So aapko ek city se dusri city just drop karna hai to bhi hum aapko kar lenge, aisa nahi ki abhi pure din ka aapko paisa lenge. यानी कि इंजीनियर लोग जैसा करते हैं कुछ भी छोड़ते नहीं है, इन्होंने सारे एरियाज कवर कर लिए, बीट इंटरनेशनल, बीट डोमेस्टिक, बीट लोकल, ट्रैवलिंग इन द सिटी आल्सो. सो व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ योर बिजनेस एंड योर कंपनी पर्टिकुलरली? क्योंकि बहुत सारे ट्रैवल एंड टूर्स हमारे साथ यहाँ पे कितने ही अवेलेबल है, हर गली में है, लेकिन क्यों आपके साथ कोई कनेक्ट करे? व्हाट इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यू आर प्रोवाइडिंग? First of all, we provide a competitive rates and a best services. When you are on a tour, we are available 24/7. आप मुझे रात को 3 बजे भी कॉल करो, बोलो कि इश्यू आया हुआ है, आई विल आंसर योर कॉल विद इन 1 आवर, योर प्रॉब्लम इज बीन सॉल्व. और ऐसा नहीं है कि अभी मेरा फिक्स बजट रहता है कि भी आपका पर पर्सन का 15,000 है जो भी है, वो मेरा फिक्स नहीं होता. आप बोलो मुझे 50,000 में घूमने जाना है तो मैं आपको 50,000 में घूमने भेजूंगा. आप बोलो 10 लाख में है मेरा बजट, मैं आपको 10 लाख में घूमने भेजूंगा. यानी कि कोई छोटे से छोटे बजट वाला इंसान हो या फिर बड़े से बड़े खर्चा करने वाला अमीर आदमी क्यों ना हो, सबको ये घुमाने भेज सकते हैं. सो दिस इज व्हाट हिज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज. सो लेट अस मूव अहेड एंड लेट मी आस्क यू, व्हाट आर योर बिजनेस एक्सपेंशन गोल्स एंड व्हाट डू यू वांट टू अचीव फ्रॉम योर बिजनेस ऑन लार्जर स्केल? करंटली आई एम वर्किंग विद 4-5 एमएनसी कंपनी इन अहमदाबाद and we are, I am managing their full corporate travel. My goal for the next couple of years is to tie with the bigger MNCs like a Torrent Pharma, India Siemens,
that like a companies. And I'm looking to see myself in top 10 tours operator, or you can say corporate travel management companies for the Gujarat. So you're more focused in corporate rather than leisure. So where do you see yourself in next 10 years? So as I mentioned, I'm looking to see myself in the top 10 tour operators in the Gujarat in the next 10 years. Okay. Only in Gujarat? First goal is in Gujarat, yes. And next goal is in India. In India. And then international. International, yes. Then sometime we'll be taking your interview and I'll be saying this is the top 10 tours and travel company of the world. Hopefully and you are taking my next interview in Dubai. Oh, wow. I would love to travel to Dubai. So you're taking me to Dubai, right? Yes. Thanks a lot. Thanks for the sponsorship. I would love to. So, okay. So the last and final question. As your journey is very exciting and you're very experienced, so what message do you want to convey to other entrepreneurs and the early riser and startups? So my advice is, when you start a new company, give some time to your company and don't expect that too much profit from your from the first year itself. Yeah, in the beginning. Yes. Give at least 3 to 4 years and then see how you doing this. Okay, थैंक यू मिस्टर हिमांशु पटेल. सो इनकी जर्नी बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही इंस्पायरिंग थी. सो आई होप जितने भी स्टार्टअप्स और अर्ली राइजर्स हैं, यू मस्ट लर्न समथिंग अबाउट मिस्टर हिमांशु पटेल एंड फ्रॉम मिस्टर हिमांशु पटेल. थैंक यू सो मच सर एंड थैंक यू व्यापार जगत.